तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दरगाह पर, यानी उनकी कब्र पर। क्या बोलूं यार, मैं भारत में ना बहुत सारे नेताओं को प्यार दिया गया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका कोई हेटर नहीं था, मतलब जीरो हेटर, वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूँ इस समय अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर के सामने। जी हाँ दोस्तों, कितना लकी इंसान हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि मेरा मकसद है आपको घर बैठे भारत दर्शन कराना। और मेरे पीछे आप देख सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का घर, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कब्र पर, यानी उनकी टॉम्ब पर। इस समय हूँ रमेश्वरम में, तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनकी मेमोरियल यह है, और यहां उनकी हम जो है टॉम देखने वाले हैं। और दोस्तों इतनी भीड़, इतना क्रेज़, मैंने किसी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी जो राजनीति से ताल्लुक़ रखता हो कभी नहीं देखी। ये देखिए यहाँ आपको एक तरीके से कितना क्राउड मिलेगा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि मुझे पता चला कि यहाँ पर शायद जो है कैमरा अंदर जो है मोबाइल भी अलाउ नहीं है, ऐसा मुझे पता चला। हाँ लिखा हुआ है मोबाइल नॉट अलाउड। ये देखिए कितनी भीड़ है, ये देखिए सब जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए ही जो है यहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर का व्यू तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो। भारत देश में बहुत सारे नेताओं को प्यार किया गया है, लेकिन 27 जुलाई 2015 जो काला दिन था, उस दिन एक बड़ी पर्सनैलिटी इस दुनिया से चली गई, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप नाजुक पल देख रहे हो इस वीडियो में, ये वो पल था जब हमारे देश से एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। दोस्तों बताना चाहता हूँ, सारे वर्गों से प्यार मिलना इतना आसान नहीं था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कि तमिलनाडु में रामेश्वरम में पैदा हुए, इस समय जो तस्वीर देख रहे हो आप, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो दरगाह है, यानी वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हो। आप सोचिए कितना प्यार किया गया होगा उन्हें उनके जाने के बाद भी, और जब वो इस दुनिया में थे जब भी। जब आप अंदर आते हो तो यहाँ पर फोटो और वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, बट बड़ी मुश्किलों से हमने आपके लिए वीडियो कलेक्ट की है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको रखा गया है। इतना अच्छा अंदर से जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, यकीन मानिए जब आप यहाँ होगे तो गारंटेड आप इमोशनल हो जाओगे। मेरा काम है मकबरे को कवर करना, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी सहूलियत से इनको यहाँ पर लेटाया गया है, आराम दिया गया है, यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे आज भी जिंदा है, आज भी वो यहाँ आराम से नींद ले रहे हैं। इतने लोगों की भीड़, इतना क्रेज़ आज तक मैंने किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी यानी पॉलिटिकल करियर में नहीं देखा। डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के लिए बहुत सारी मिसालें बनाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी विभिन्न मिसाइलों का निर्माण किया, और भारत को पहली स्वदेशी मिसाइल दिलाई। आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये वहीं का है जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस समय आराम कर रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब जी हमेशा अपने सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम का काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के लिए हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं। शायद मौजूदा स्थिति में मैंने किसी भी कब्र पर, किसी भी मेमोरियल पॉइंट पर इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी भीड़ मैंने यहाँ पर देखी है। जब आप रामेश्वरम आते हो तो यहाँ पर दो बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है,
एक श्री राम भगवान जी के बारे में और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। यहाँ तक लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भगवान का दर्जा भी देते हैं दोस्तों। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है भारत के राष्ट्रपति बने। बचपन में डॉक्टर कलाम साहब और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए कम उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने परिवार का समर्थन करते के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। 1998 में किए गए पोखरण परमाणु प्रशिक्षण के सदस्य भी बने। देश के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अनगिनत योगदान है। जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम होगी, या फिर ज़्यादा तारीफ के लिए कम शब्द यूज करना बेमानी होगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप मेमोरियल में अंदर आएंगे ना और यहाँ की साफ सफाई देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सफाई जिस तरीके से शिद्दत से की गई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके लिए प्यार है। एक कागज़ का टुकड़ा आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, जिस तरीके से इसको सजाया गया है, वो यकीन मानिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रखी गई है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे आएँ और वो किसी से इंस्पायर हों तो सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। और वो इसलिए भी क्योंकि इस देश में कोई जीरो हेटर पर्सनैलिटी है, सारे वर्गों ने किसी इंसान को प्यार किया है, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। डॉक्टर कलाम साहब से प्यार करने के बहुत सारे कारण हैं और उनसे प्यार हो भी जाता है। उसकी एक वजह यह है कि उनकी जिंदगी भर सादगी रही। दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ। आई हैव नो वर्ड, क्या बोलूँ यार। मैं भारत में ना बहुत सारे नेताओं को प्यार दिया गया है, बहुत सारे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को इज्जत दी गई है, बट इंडिया में एक ऐसी पर्सनैलिटी, ही हैड जीरो हिटर्स। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका कोई हिटर नहीं था, मतलब जीरो हिटर, वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा काम है टॉम को कवर करना, मकबरे कवर करना। मैंने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के मकबरे कवर किए हैं और आपको दिखाया है, बट जो इज्जत इनको दी गई है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, इतनी इज्जत इतिहास में भारत में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं दी गई। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। काश मैं बारीकी से आपको वो अंदर का दिखा पाता, शायद नहीं दिखा पाता। जब आप अंदर आ जाते हो ना तो आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और अपना आपके पास कोई शब्द नहीं होता है। आपके इमोशंस ना बाहर निकल रहे होते हैं, आपकी आँखों में आंसू चल रहे होते हैं और आप कुछ फील सा कर रहे होते हैं। शायद इस चीज़ को फील कराने के लिए ही वहाँ पर मोबाइल और कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट हमने गूगल के ज़रिए, अदर प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको जो है अंदर का व्यू दिखाया। दोस्तों बहुत ही शानदार सफ़र रहा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को रामेश्वरम के अंदर जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक बड़ी पर्सनैलिटी, किस तरीके से मछुआरे से उनका एक राष्ट्रपति तक सफ़र, किस तरीके से अखबार बेचने से लेकर उनका जो सफ़र रहा है, और भारत के पहले मिसाइल मैन यानी जिन्होंने स्वदेशी मिसाइल भारत को दी है, भारत इनको हमेशा याद रखेगा और भारत नहीं केवल पूरी दुनिया इनको याद रखेगी। जस्ट अमेजिंग दोस्तों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मुझे लग रहा है जितना मैं बोलूँगा ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा, फिर भी ये बेमानी होगी, क्योंकि किसी इंसान के 40 साल 50 साल 60 साल के करियर को शब्दों में बयान करना इतना आसान है नहीं। जस्ट अमेजिंग। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को, अगर ज़िंदगी में अगर आपका हिसाब किताब रहा बढ़िया है, आप इस लायक हो, तो एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इस जगह पर जहाँ पर उनकी टॉम है, यहाँ आना चाहिए और एक बार ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ना आप सोशल मीडिया पर नहीं समझते हो, जब आप आते हो ना तो ज़मीन पर सीखते हो। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो Facebook पर हमारा चैनल है अरबाज़ ब्लॉग के नाम से, वहाँ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारा चैनल है अरबाज़ ब्लॉग का, ब्लॉग नाम से YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए अरबाज़ ब्लॉग, हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट की सहायता से आप पूरा इंडिया का दर्शन कर सकते हो, वो भी घर बैठे फ्री। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। साथ ही साथ Instagram पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।